तो अभी हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए राशन लेने के लिए, और आज मार्केट पहुंचने में इतनी कठिनाई आ रही है क्योंकि हमारे ना मार्केट जाने के दो रास्ते हैं, तो वैसे ज्यादातर हम जो है ना शिकारपुर वाले रास्ते पर ही जाते हैं, लेकिन हमें राशन लेना था तो राशन में लेते हैं इधर संजय कॉलोनी की साइड से शॉप है वहां से ही शुरू से लेती हूँ। तो उधर जाने के लिए ना जो आगे से रास्ता गया है ना उससे जाना था, लेकिन वहां जैसे पहुंचे वैसे ही वहां पर गड्ढे में ना एक डंपर था जो गिट्टी वगैरह भर के आती है ना, वो डंपर ना गड्ढे में जा चुका था क्योंकि रोड ऐसी धसक जाती है कभी भी, तो इस वजह से वो डंपर उसमें पड़ा हुआ था टेढ़ा और गिट्टियां ही फैली हुई थी, तो इस वजह से रास्ता वो बंद था। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है घूम के चले जाएंगे शिकारपुर वाले रास्ते से आए थे, तो उधर बन रही है रोड तो रास्ता उधर रोक रखा है, तो इस वजह से इतने परेशान हो गए हम लोग क्योंकि दो दो बार हमने गाड़ी बैक की है और अब इतने बुरे रास्ते से हम लोग आए। एक और गली थी जहाँ से हम लोग आए, गलियों से होते होते तो गलियों में कंडीशन इतनी बेकार है क्योंकि जो कच्ची गली रहती है वहाँ पर कीचड़ वगैरह ज्यादा रहती है, गड्ढे रहते हैं, और जो पक्की गलियां हैं घरों वाली तो वहाँ पे सामान ज्यादा खड़े रहते हैं, मतलब गाड़ियां वगैरह खड़ी रहती हैं, ठेले वगैरह खड़े रहते हैं, तो इसलिए गलियों में से नहीं आते हैं। तो चलो फिलहाल जैसे तैसे आ गए, पूरे आधा घंटा लग गया हम लोगों को, हम 3 बजे से पहले निकले थे, हमने सोचा था कि हम 4 बजे तक चले जाएंगे घर लौट कर, सिर्फ 1 घंटे में हमारा काम हो जाएगा क्योंकि 4 बजे बच्चे जाएंगे ट्यूशन, तो इस वजह से हमें 4 बजे तक लौटना है क्योंकि पेपर है तो छुट्टी नहीं करा सकती मैं, इस वजह से 1 घंटे के लिए सिर्फ मार्केट आई हूँ क्योंकि जरूरी था, अगर जरूरी नहीं होता ना तो मैं ले आती भी नहीं क्योंकि सामान बिल्कुल खत्म हो चुका था जो कि जरूरत पड़ती है, जैसे कि घी है तेल है जो बेसिक चीजें जो कि हमें डेली चाहिए ही चाहिए क्योंकि बच्चे स्कूल वगैरह भी जाते हैं तो सुबह लंच बनाने के लिए तेल चाहिए, तो इसलिए बिल्कुल भी तेल नहीं था, खत्म हो गया। मैं आज तक ही सोचा था कि आज मैं ले आऊंगी, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ, जरूरी था। और जब अर्जेंट काम होता है तब रुकावटें आती हैं, परेशानी आती है, ऐसा होता है। वैसे अक्सर मार्केट वगैरह जाते रहो तो कोई रुकावट नहीं आती, वैसे ही चले जाते हैं, तो लेकिन आज ज्यादा जरूरत थी तो इतनी रुकावटें आई। चलो कोई नहीं, फिलहाल हम लोग मार्केट बस पहुंचने वाले हैं तो फटाफट से सामान लेते हैं फिर लौटते हैं। फिर भी राशन के लिए अब हम लौटते में जाएंगे क्योंकि कुछ चीजें जो मुझे मार्केट से लेनी है, और कुछ है ना घी वगैरह तो मार्केट में से ही लेते हैं, और कुछ प्लास्टिक वगैरह का सामान है जो मुझे घर के लिए लेना है, झाड़ू वगैरह, तो वो भी मेगा मार्ट से लेंगे, और गैस भी निकालना है तो वो भी मार्केट से निकालना पड़ेगा, पेटीएम वगैरह उस साइड तो है नहीं, मार्केट नहीं है, तो इसलिए मार्केट पहले जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो राशन है वो मैं ले लूंगी लौटते टाइम पर। तो चलिए पहुंचते हैं, तो बस अभी एटीएम से पैसे निकाल लिए और अब जा रहे हैं हम विशाल मेगा मार्ट, तो बस यहाँ से जा रहे हैं। ये देखो ये छोटे छोटे से रास्ते हैं और इस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत लगता है, मेन मार्केट में भी रास्ते बहुत छोटे हैं क्योंकि दुकानें हैं घर हैं वो बहुत बाहर बाहर की साइड बना ली है आगे निकल निकल के, इस वजह से जो रोड है ना बहुत छोटी सी है और गाड़ियाँ आप देख ही सकते हैं, कई बार ऐसा होता है बहुत बहुत ज़्यादा ना ट्रैफिक भी लग जाता है इस रास्ते से। तो बस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं विशाल मेगा मार्ट, और बस यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दी अपनी शॉपिंग, तो जो जो सामान मुझे चाहिए था, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लीनिंग के सामान लेने आई हूँ क्योंकि मेरे जो ब्रश वगैरह हैं वो सारे ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थी ना तभी मैं सारे ब्रश वगैरह, टॉयलेट ब्रश, कपड़े धोने का ब्रश, टाइल्स वगैरह साफ़ करने का ब्रश, सारी चीज़ें मैंने जब ही ली थी, तो अब जो है ना वो ख़राब हो गए थे फिर मुझे चेंज करने थे, तो यहाँ सबसे पहले मैं वही सारी चीज़ ले रही हूँ, और यहाँ पर बच्चे भी जो है ना मेरी हेल्प कर रहे हैं, मम्मा ये ले लो वो ले लो, तो बस हम सब मिलकर ना शॉपिंग कर रहे हैं, और शॉपिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। और हाँ, कल जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने बताया था कि क्या वजह थी मैंने वीडियो नहीं डाली और मैं क्या सोच रही हूँ, तो उसको लेके काफ़ी सारे कमेंट आए जिससे मुझे पता चला कि आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हो, कितना प्यार करते हो, तो आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो आपने मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट किए। और जो चीज़ मैं सोच रही थी वो गलत थी कि मैं अपना चैनल चलाऊं या ना चलाऊं, तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि आपको चैनल कंटिन्यू करना चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं अपना चैनल कंटिन्यू करूंगी और अच्छे से जैसे मैं पहले वीडियो डालती थी वैसे ही अब मैं वीडियो डालूंगी। तो जो मैं सोच रही थी वो गलत था, सही है जब मैंने इस चैनल पर इतनी मेहनत की, इतना टाइम दिया है, तो इसको ऐसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ इस पर वीडियो डालने चाहिए।
और कुछ लोग बोल रहे थे कि आप चैलेंज लीजिए, अपनी वेट लॉस जर्नी इस पे शेयर कीजिए, वेट लॉस कीजिए। तो इंशाल्लाह मैं आगे ज़रूर ये चैलेंज लूँगी और अपना वेट लॉस करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल जो मेरा चल रहा है रूटीन वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इंशाल्लाह अच्छे से मैं वीडियो अपनी बनाऊँगी और रेगुलर डालूँगी। तो फिलहाल जो है ना यहाँ पर शॉपिंग हमारी हो चुकी है, बस गाड़ी में सारा सामान रख रहे हैं। हमने कैरी बैग नहीं लिए क्योंकि जब भी आते हैं तो बहुत सारे कैरी बैग घर पे इकट्ठे हुए हैं, तो इस वजह से मैं अब कुछ टाइम से मैंने बंद कर दिया है कि मैं नहीं लेती हूँ, सारा डायरेक्ट गाड़ी में सामान रख लेती हूँ और ले जाती हूँ। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर चलते हैं अब दूसरी जगह। तो अभी टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं, 7 अभी बजने वाले, 5 मिनट की दे दिए, और हम लोग आ गए थे 6 बजे। सोच ही रहे थे 5 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन टाइम लग जाता है शॉपिंग में। देखो फिर भी शॉपिंग पूरी करके नहीं लाई हूँ अभी एक जगह का, क्योंकि मैं 2 जगह से तो अपना राशन खरीदती हूँ और तीसरी जगह तो ये विशाल मेगा मार्ट गई थी, तो ये तीसरी जगह हो गई। तो जहाँ दूसरी जगह से भी जो मैं सामान लेती हूँ अपनी ग्रोसरी का, थोड़ा बहुत चीज़ें मेरी उस जगह की रहती हैं वो नहीं आ पाई हैं, लेकिन जो मेन थी वो मैं ले आई हूँ। और अभी तो आटे का कट्टा उनके यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो आटे का कट्टा भी नहीं आया है, उन्होंने बोला है कल आएगा, तो इसलिए आटा भी नहीं आया। अभी तेल भी नहीं आया है क्योंकि लौट कर आना था, दूध वाले भैया का भी कॉल आ गया था, इसलिए हमने कहा चलो अब कल ले जाएंगे जो चीज़ें बची हैं। तो दूध भी आ गया है, ये घी आ गया है, घी भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, आज बिना घी के रोटी खाई बच्चों ने। ये नमकीन लेकर आए हैं, शाही मिक्सचर, और इसमें है हमारे ग्रोसरी, और ये जो हम मिसा ये है हम विशाल मेगा मार्ट से जो सामान लेकर आए वो। तो पहले ये सामान निकाल लेती हूँ, ये मैं एक टॉयलेट ब्रश लेकर आई हूँ, ये मैगी है, अभी इसमें मैं एक चीज़ भूल गई, चाकू, मुझे चाकू लाने के लिए, तो मेरे पास सिर्फ एक ही चाकू है, मतलब 2 और हैं लेकिन वो सही नहीं है, एक से ही मैं ज़्यादा काम करती हूँ, तो मुझे चाकू लाने हैं। ये लाई हूँ सोन पपड़ी, ये क्लिप कपड़ों के, ये कटर, ये पहले मैंने देख कर रख दी क्योंकि मुझे ज़्यादा काम के लगे नहीं, क्योंकि कुकीज़ वगैरह तो मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, लेकिन इनाया ने ये रख दिए और जब बिलिंग हो गई थी उसके बाद मैंने ये देखे। और ये है 179 के, चलो काम में लेंगे इनको, ठीक है। और एक ये छलनी लेकर आई हूँ, वैसे मैं स्टील की ला रही थी लेकिन स्टील की मुझ पर है तो इसलिए मैं ये प्लास्टिक वाली लेकर आई हूँ, लेकिन अच्छी क्वालिटी की है ये। और ये आई है 35 की, ठीक है। और ये वाले ब्रश ना 2 आ गए, मैंने देखा नहीं, और जब गाड़ी में सामान रख रही थी उस टाइम पर देखा मैंने, तो मैंने इनसे बोला भी कि मैं वापस करके आती हूँ, लेकिन इनने मना कर दिया, बोलने लगे कि ज़्यादा महंगी चीज़ होती तो कराती, और ये क्या करने जाओगी, रहने दो। तो ये है 39 रुपीज़ का। और ये स्प्रे बोतल, ये भी यही लेकर आए, मैं नहीं लेकर आई, मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, स्प्रे वगैरह जो घर क्लीनिंग के लिए, तो मेरी कॉलिन की खाली हो जाती है वो यूज़ कर लेती हूँ। तो ये है 59 की स्प्रे बोतल, और ये सोन पपड़ी एक के साथ एक फ्री था तो इसलिए 2 हो गए। और ये हम बोतल लेके आए 6 बोतल, क्योंकि जो पहले की बोतल थी वो ख़राब हो गई हैं, तो इसलिए ये बोतलें लेकर आई हूँ। और ये बिस्किट गुड्डे, इस बार हम ये लेकर आए, वैसे पार्ले जी लेकर आने, पार्ले जी अच्छा लगता है। और क्या क्या, और बच्चों का सामान ही है, मैगी है, ये इनाया लेकर आइए, ये आलिया लेकर आइए, नहीं और ये आलिया लेकर आइए, ये इनाया लेकर आइए, और ये भी एक के साथ एक फ्री है तो इसलिए 2 पैकेट हो गए। मैंने ये वाला ब्रश रखा था, ये वाला ब्रश पता नहीं इनाया ने साइड डाल दिया, यही होता है बच्चों के साथ जब शॉपिंग करने जाते हैं। और ये मैं डब्बे लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे ना कुछ कुछ चीज़ें रखनी थी तो थे नहीं, इसलिए मैं नहीं लेकर, डिब्बे थे नहीं इसलिए मैं लेकर आई हूँ, अभी 3 ही लेकर आई हूँ। मैं डिब्बे वगैरह इसलिए नहीं लेकर आती हूँ क्योंकि
जब मेरी ये किचन बन जाएगी ना तब मैं सारी चीजें लेकर आऊंगी। अभी मैं कुछ भी किचन की शॉपिंग वगैरह नहीं करती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ जब चीजें रखने की अच्छी से जगह होगी ना तब रखूंगी, अभी तो ऐसे ही रखती हूँ ना इसलिए। लेकिन ये तो मुझे जरूरत पड़ रही थी सामान रखने के लिए, इसलिए तीन का सेट लेकर आई हूँ। और ये बिस्किट लेकर आए हैं, ये वाले बिस्किट भी एक के साथ एक फ्री है, ये देखो ये भी एक के साथ एक फ्री। और ये वाला बिस्किट कहाँ है, ये भी, ये ऑफर चल रहा था, ये मैंने पहले नहीं देखा था कि एक के साथ एक फ्री है क्योंकि इस पे लिखा नहीं है शायद, लेकिन पे लिखा था, उस पे लिखा हुआ उधर नहीं देखा था। और ये वाले केक इनको पसंद है बच्चों को, तो ये केक लेकर आए। और ये वाले फ्रूट केक हैं, और एक मैं ये लेकर आई हूँ क्योंकि मैं वॉश बेसर ना स्क्रब से धोती हूँ क्योंकि अच्छे से क्लीन हो जाता है, तो ये वाले ब्रश में ना स्क्रब लगा हुआ है और एक ये दूसरा लगा सकते हैं। और इसके साथ ये स्पंज भी आई है, और एक ये साबुन का सेट, क्योंकि साबुन रखे हुए थे इसलिए इस बार एक ही सेट लेकर आई हूँ। और क्या है, केच, तो ये छह बोतलें हैं, और ये बोतल है 179 की। तो बस ये सामान है जो कि हम लेकर आए। और कपड़े कहाँ है, कपड़े हाँ रख दिए, मैं नाया के लिए दो जोड़ी कपड़े भी लेकर आई हूँ, अभी दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये है, ये ऐसे जमा खा को दिया, पूरे बाजार लगा दिया है। तो बस यहाँ पर अभी ये सामान मैं रखती हूँ पहले, फिर उसके बाद ये भी खोलूंगी तो इसका सामान रखूंगी। तो बस वो वाला सामान तो रख दिया है, बस ये थोड़ा सा रह गया जो कि इन डिब्बों में जाएगा इसलिए मैंने रखा नहीं है। और ये वाला भी जो कट्टा था वो खोल लिया है, तो ये मेरी मंथली ग्रोसरी है। इसमें बस कुछ चीजें कम है, इसमें ड्राई फ्रूट नहीं है क्योंकि ड्राई फ्रूट इस बार थे तो इसलिए लेकर नहीं आई हूँ। और दालें नहीं है क्योंकि दालें भी थी। और मसाले वगैरह तो ये है कि मैं एक महीने लाती हूँ और दो महीने तक वो चल जाते, तो इसलिए इस बार मसाले भी नहीं है। इससे पहले जो है ना मैं राशन लाई थी वो ज़्यादा आया था, इस बार राशन कम है क्योंकि जो चीज़ें थी वो लेकर नहीं आई हूँ, तो इस बार बस ख़त्म ये हुआ है। शक्कर तो हर बार आती है, शक्कर, चावल, बेसन, ये चीज़ें हर बार आती हैं, और पोहा, ऑयल, तो ये चीज़ें तो ख़त्म हो जाती हैं, तो ये चीज़ें हर बार लेकर आती हूँ। तो ये मैं लेकर आई, ये मेरे महीने भर चल जाते हैं, 5 किलो पोहा, 5 किलो शक्कर, और ये 5 किलो काली मिर्च के चावल है, और 3 किलो बेसन, बेसन शायद बच जाए क्योंकि 3 किलो लाई हूँ, हर बार मैं 2 किलो लाती हूँ क्योंकि पकौड़ी वगैरह बनती है ना तो लग जाता है, तो इसलिए इस बार ज़्यादा लेकर आ गई क्योंकि ख़त्म हो गया था। और कढ़ी वगैरह भी बनाते रहते हैं, बेसन की सब्जी भी बनाती हूँ मैं, तो इसलिए बेसन ज़्यादा ही लगता है, तो इस बार मैं 3 किलो लेकर आई हूँ। और ये दाल सिर्फ एक ही लेकर आई हूँ, मूंग की दाल 1 किलो। और ये है सूजी और मैदा, सूजी तो ये ख़त्म भी हो सकती है, बीच में आ भी सकती है क्योंकि बच्चों के लिए इडली वगैरह बनती रहती हैं, तो ज़्यादा नहीं लाई क्योंकि बारिश का टाइम है ना, कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं तो इसलिए। और बस ये चाय पत्ती है जो कि पूरे महीने चल जाती है, ये एक पैकेट, और ये 2 नमक की थैली, बस इतना ही सामान आया। और ये रिफाइंड ऑयल, तो ये 2 पैकेट लेकर आती हूँ बस, तो ये महीने भर चल जाते हैं क्योंकि रिफाइंड में ज़्यादा कुछ बनाती नहीं हूँ। 4.5 किलो तेल आता है सरसों का, वो पूरे महीने चलता है मेरा, तो वो नहीं आया है अभी क्योंकि वो हम मील से लेकर आते हैं, जहाँ पर निकलता है दुकान से लेकर नहीं आते, तो वो जब लेकर आएंगे, कल लेकर आएंगे, कल जाएंगे मार्केट तक। तो बस ये चीज़ें हैं, और बस इसमें घी है 1 किलो। तो ये हमारा राशन है मंथली ग्रोसरी, तो इस बार मैंने अपनी जो मंथली ग्रोसरी लगती है वो आप लोग साथ शेयर कर दी है। ठीक है, तो चलिए इसको रख देते हैं।